दोस्तों भारत सरकार की तरफ से एक नए यूपीआई एप्लीकेशन को बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद जो तमाम यूपीआई के ऐप्स है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूपीआई, अमेजोन पे का यूपीआई, ये सब जो एक तरह से देखा जाए तो बंद हो जाएगा इस ऐप के आने के बाद। मैं आपको पहले ये खबर बता देता हूँ, उसके बाद ये जो है मतलब किस हद तक आपको फायदा पहुँचाने वाला है या जो भी कुछ है, मैंने आपको दो पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो खबर कुछ ऐसी है कि भारत सरकार आम नागरिकों के लिए एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन लेकर आ रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स का इसके बारे में कहना है कि इसकी वजह से डिजिटल लेन देन में एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है। और मैं अगर अपना बात एक लाइन में आपसे कहूं तो क्रांति जो है दोस्तों आने तो वाला है, लेकिन मुझे इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिख रहा है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहले यह कैसे काम करेगा मैं आपको सरल भाषा में विस्तार से बता देता हूं। सरकार द्वारा AI प्लेटफॉर्म भाषिणी के जरिए राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के तहत आवाज पर आधारित, जी हाँ जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरह से बोलने वाले आवाज पर आधारित सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें बैंक बैलेंस ट्रांजेक्शन्स यानी कि आपकी लेन देन जो हुई है बैंक में, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग रिचार्ज जो गाड़ियों में लगा रहता है फास्टैग उसका रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, LPG गैस का पेमेंट, मेट्रो कार्ड का भुगतान, चालान वगैरह आपका कटा है तो उसका भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में UPI आज जो भूमिका निभा रहा है वो सारे काम इस सरकारी एप्लीकेशन में होगा और वो भी आपके अपने आवाज से काम करने वाला है। भाषिणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अमिताभ नाग, उन्होंने कहा कि हम डिजिटल और जो क्वालिफिकेशन के बीच के डिस्टेंस को कम करने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आज ऐसा है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है भारत में, तो वो इस तरह के डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसके आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि बोलकर आप अपना पेमेंट कर सकते हो, तो इसके आने के बाद यहाँ पे जो है हर कोई इसका इस्तेमाल कर पाएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा कम ही क्यों ना हो। साथ में उन्होंने ये भी क्लियरली कहा है कि इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोग भी इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके आने के बाद क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं कहूँ अपना बात, तो मुझे कोई ऐसा एप्लीकेशन दिया जाता है कि जिसको पेमेंट करने के लिए मुझे बोलना पड़ता हो, हालांकि उसमें जो है बोलने के अलावा टाइप करके भी आप कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि मैं मार्केट जाता हूँ, सब्जी खरीदता हूँ, सब्जी वाले को मैं QR कोड स्कैन करने की बजाय मैं वहाँ पर बोलता हूँ कि सब्जी वाले के पास 200 रुपये चले जाए, मतलब ऐसा बोलना पड़ेगा तब जाके आपका पेमेंट होगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मैं इसका इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, या फिर जो लोग इससे पहले UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या बाकी सारे जो स्कैन करके जो लोग पेमेंट करते हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि भीड़ में आपको बोलकर पैसे देना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ 4 लोगों में आपका इमेज जो है थोड़ा डाउन होगा कि आप कम पढ़े लिखे हो, तब आप जाके इसका इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, ये तो रही इमेज की बात, जिसको हम साइड में रखते हैं। और दूसरी जो बात है दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रहा है उसका फायदा तो हो ही रहा है, साथ ही नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि आजकल हमारे हाथ में UPI है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग है हमारे फ़ोन में, तो इन सब का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हुआ है। हमें एक डर है कि कोई हमारे खाते से पैसे न उड़ा ले हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से। हालांकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, उनके खाते से भी पैसे चोरी हुए हैं, ठगी का शिकार वो भी हुए हैं। तो ऐसे में आप जरा सोचो, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास उनके हाथ में जब इस तरह का फ़ोन में इस तरह का एप्लीकेशन दे दिया जाएगा जिससे कि वो बोलकर पेमेंट कर सकते हैं, तो क्या उनके खाते से वो जो ये जो ठगी वगैरह हो रहा है, साइबर क्राइम जो हो रहा है, साइबर स्कैम जो हो रहा है, क्या इन सबको बढ़ावा नहीं मिलेगा? मुझे लगता है इससे जो है यही जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको जहाँ यहाँ जो साफ साफ कहा गया है कि इसके लिए डिजिटल नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही डिजिटल नॉलेज की कम ज़रूरत यहाँ पर इस व्यक्ति के खाते से पैसे उड़ाने का मदद करेगा। बाद में हम फिर चिल्लाते रहेंगे कि सरकार जो है कुछ कर नहीं रही है, ये जो चोर लूटर है उनको पकड़ नहीं रही है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार इनको जॉब दे रही है मेरे हिसाब से। देखिए, ये तो मेरा सोच है, आपका सोच क्या है इस बारे में प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।